को जान कर मौन बैठे पर एक का कायर है, अब घर के अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाथ में माला और बगल में भाला। हमारे भारत की शान हमेशा से ऋषि परंपरा रही है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे और उन्होंने शून्य पर उद्बोधन दिया तो समूचे लोग जितने भारतीय परंपरा के प्रति नतमस्तक हो गए। रात्रि काल में वहां की जब एक देवी जी आती हैं, वो कहती महाराज हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के बातों को सुनकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी अगर हमारे जैसा पुत्र चाहिए, अगर मैं संसर्ग करूं तो जरूरी नहीं पुत्र हो, जरूरी नहीं मेरे जैसा हो। एक काम करो, आज से तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। ये परंपरा केवल भारत के संतों में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे पागलों, भारत विश्व गुरु इसीलिए है कि तीर्थराज प्रयाग में आने वाले लाखों संत एक साथ बैठ करके विश्व कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए भारत क्या है, विश्व गुरु बनाना है। हिंदू हिंदू हिंदू, तुम सब इन संतों का साथ दो, हम सब हिंदू राष्ट्र बने। कौन तैयार है? देखो हम कोई राजनेता नहीं है कि फोटो के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में बोल रहे हो। तो अगर फोटो के चक्कर में बोल रहे हो तो ठटली भरा जाओ भरा के। अरे मेरे जाना है, वहां मेजा में दरबार है।